अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स तो इस वैसे तो हम लोग ऑस्की के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन किस तरीके से ऑस्की के स्टेशन आते होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ठीक है ऑस्की के मेडिसन ऑस्की की बात कर रहे हैं तो मेनली जो है ना हमारे पास फिफ्टीन टू ट्वेंटी स्टेशन आते होते हैं इन डिपेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज़ में क्या क्राइटेरिया है तो बेहतर है कि आप अपने टीचर से पहले ही कंफर्म कर लें कि आपके कितने स्टेशनस होंगे फिफ्टीन होंगे या ट्वेंटी होंगे तो मेनली हमारे पास फिफ्टीन स्टेशन्स आते होते हैं ठीक है मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही बताऊँगी कि आ, हमारे पास प्रो ऑफ एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं और जो वार्ड टेस्ट होता है या मिड ऑस्की होती है उसमें किस तरीके से स्टेशन आते हैं तो मेन अगर हम लोग फिफ्टीन स्टेशन की बात करें तो हमारे पास फोर एग्जामिनेशनस होती हैं इन फोर एग्जामिनेशनस में क्या होता है कि जनरल फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हो सकती है एबडामिनल एग्जामिनेशन हो सकती है इसके अलावा कोई सी एन एस एग्ज़ैमिनेशन हो सकती है रेस्पायरेटरी हो गई या फिर कोई सी बी एस एग्ज़ामिनेशन है इनमें आपने जो है ना इन में से कोई फोर एग्ज़मिशन आती होती है और टाइम लिमिटेड होता है कहीं पर फोर मिनट्स होते हैं और फाइव मिनट्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ोर मिनट्स का स्टेशन होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाइव मिनट्स का स्टेशन होता है तो फोर या फ़ाइव मिनट्स में जो है ना आपको ये एग्जामिनेशन करनी होती है इट डिपेंड जो एग्जामिनर है वो आप से सिर्फ एग्जामिनेशन पूरी करवा रहा है या आपसे रुक रुक के कुछ क्वेश्चन आंसरिंग भी कर रहा है तो आप लोग उन्हें एग्जामिनेशन के साथ साथ जो उनके जो मेन मेनम्स हैं उनको आपको और uh, uh, उनको आपके काजेस भी पता होने चाहिए अगर हम लोग जनरल फिजिकल अगर हम लोग जनरल फिजिकल में बात करें तो आपको क्लबिंग के कॉजेस पता होने चाहिए एनीमिया कहाँ कहाँ देखते हैं वो पता होना चाहिए कभी कभार इनके काजेस वगैरह भी पूछ लेते होते हैं ठीक है और एबडोम में जैसे हमारे पास हिपेटो स्पलिनों में गहली है इन सब के कॉसिस पता होने चाहिए ठीक है और आपने एक बात याद रखनी है कि सी में कभी भी पूरा हमें नहीं करवाते होते कह देते होते हैं या तो आप ऑस्कल्टेट करके दिखा दें या चेस्ट एग्जामिनेशन करके दिखा दें अगर बे अगर आपसे कहा जा रहा है कि इंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट को एग्जामिन कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि ये सी है इंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट रिकॉर्डिम को कहते हैं ठीक है उसके अलावा अगर पेशेंट्स में रेस्पायरेटरी एग्जामिनेशन में कभी पोस्टर कर पोस्टियर करवा करवाए होते हैं या फिर इंटीरियर करवाते हैं लेटर करवाते हैं कभी पूरी एग्जामिनेशन नहीं करवाते तो आप लोगों ने जो टीचर एग्जामिनर आपको कह रहा है उसको गौर से सुनना है ठीक है चार एग्जामिनेशन के आपके पहले तो इंटरक्टिव होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैंने आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट्स पे भी एक वीडियो बनाई हुई है आप लोग चाहें तो वहाँ से देख लें इन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकता है मे बी कोई इंसुलिन सिरिंज हो ब्लड प्रेशर हो ब्लड प्रेशर अपेराटस हो ऑक्सीमीटर हो नेबुलाइजर हो ठीक है और भी मैंने वीडियोस एनजी ट्यूब हो ठीक है ये सब जो है ना हम आ, मैंने वीडियो बनाई हुई है फॉलीज कैथेटर वगैरह भी तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं ठीक है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अलावा इन उसके अलावा ये तो हमारे पास पांच स्टेशन हो गए और दस स्टेश गए एक हमारे पास डर्मा का स्टेशन होता है है डर्माटोलॉजी में हमारे पास ज़्यादातर एस एल ई रख देते हैं क्योंकि उसमें रिमोटोलॉजी भी कवर हो जाता है एस एल ई होता है या फिर सोरियासिस होता है या एटॉपिक डर्माटाइटिस वगैरह रख देते होते हैं ठीक है ये जो है ना डर्माटोलॉजी वाला ये हमारे पास इंटरेक्टिव भी हो सकता है और स्टेटिक भी हो सकता है इट डिपेंड्स कि आपकी आपके यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में क्या रूल है और कितने टीचर्स फ्री हैं एट अ टाइम तो उस हिसाब से जो है ना इंटरेक्टिव रखा जाता है कि इंटरेक्टिव होगा या फिर स्टैटिक होगा ठीक है वैसे इसमें ना पिक्चर लगी हुई होती है कभी कभार एग्जामिनर भी बैठा होता है कभी कभार ये स्टैटिक होता है ठीक है एक डरमाटोलॉजी का स्टेशन होता है और इसके अलावा एक हमारे पास काउंसलिंग का स्टेशन होता है एक हमारे एक से दो हिस्ट्रीज़ का स्टेशन होता है हिस्ट्रीज में ना बेसिकली उन्होंने क्या रखा होता है वेदर जो है ना एपिगैस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री एपिगैस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री रखी हुई होती है या फिर जो है ना फीवर की हिस्ट्री होती है ज़्यादातर ना इन दोनों की ही हिस्ट्रीज होती है लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री में ना उन्होंने एक पे एक ना एच ओ को या पीजी को या uh, पेशेंट को बिठाया हुआ होता है और उस आपको कहा गया होता है कि आप इसे हिस्ट्री लें तो वो आपके हिस्ट्री पॉइंट्स देख रहे होते हैं किस तरीके से आप हिस्ट्री ले रहे हैं कभी कभार जो है ना आपके अब हिस्ट्री के मुताबिक आपकी क्या डाय डायग्नोसिस है वो भी पूछ लेते होते हैं ठीक है एक से दो हिस्ट्रीज होती हैं कभी कभार दो हिस्ट्रीज होती हैं कभी कभार एक हिस्ट्री होती है ये भी इंटरैक्टिव होता है उसके अलावा आपके पास जो है ना एक पिक्चर एक पिक्चर सिनेरियो होता है मे बी जो है ना पॉलीसाइथीमिया हो पॉलीसाइथीमिया रखा हुआ होता है या फिर डिफरेंट जो मैंने आपको रैशेस वाली पिक्चर्स दिखाई थी वो रखी हुई होती हैं जितनी मैंने की वीडियोस बनाई हूँ उसमें जो है ना हमारे पास कुछ एक पिक्चर वाला सिनारी होता है वो स्टैटिक होता है वो आपको लिखना होता है सिर्फ ठीक है एक आपके पास जो है ना चेस्ट एक्सरे आता है उसके अलावा एक आपके पास ई आती है ई में वेदर एक्सटी सेगमेंट एलिवेशन डिप्रेशन ये पूछा होता है कि इसमें कौन सा एम आई या फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं इन सब की ना प्रॉपर मैंने वीडियो वीडियोस बनाई हुई तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख लें ठीक है एक ई होती है और एक हमारे पास एमरजेंसी स्टेशन होता है मतलब इमरजेंसी स्टेशन बोल रही है इमरजेंसी केस का स्टेशन होता है उसमें हमारे पास एपिलेप्सी हो गया एस्मेटिक स्टेटस एस्मेटिकल हो गया इस तरीके से ना हमारे पास स्टेशंस होते हैं जो ये जो है ना हमारे पास इंटरैक्टिव होता है ठीक है इमरजेंसी केस इसके अलावा हमारे पास इनमें और एक और केस भी कभी कभार सी का रिलेटेड रख देते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रोक हो गया या सी स्कैन लगा हुआ होता है तो आपने ना ये भी देख के जाना ही देखिए टोटल कितने हो गए हमारे पास फ़ोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व और ये थर्टीन और एक हमारे और ये फोटीन और एक हमारे पास लॉक बुक का भी स्टेशन होता है अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ना लॉक बुक फिल करवाई जाती है तो एक लॉक बुक का स्टेशन रखते होते हैं उसमें ना किसी भी टीचर को बिठा प्रोफेसर को बिठा देते और जो भी आपके लॉक बुक में लिखा होता है ना उससे कुछ भी क्वेश्चन कर लेते हैं वो ठीक है एक लॉक बुक का स्टेशन होता है तो ये टोटल हमारे पास फिफ्टीन स्टेशन हो गए हैं तकरीबन ये आपके ना मिड ऑस्की में आते होते हैं ठीक है मिड ऑस्की में आते हैं या फिर ना जो वॉड टेस्ट होता है ना वो उसमें आते होते हैं अब हम लोग ना प्रॉफ की बात कर लेते हैं कि प्रॉफ में किस तरीके से आते हैं तो अगर हम प्रोफे प्रोफ के वाइवा की बात करें ना उसमें भी सेम यही पैटर्न होता है फ़िफ्टीन स्टेशन होते हैं ठीक है अब डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ट्वेंटी रखती है फिफ्टीन रखती है मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने फिफ्टीन स्टेशन रखे थे ठीक है तो फिफ्टीन स्टेशन के हिसाब से देखे जाए वही चार एग्ज़ामिनेशनस हो गई अच्छा तो सी, आ, चार एग्जामिनेशनस हो गई इसके अलावा जो है ना एक हमारे पास डर्मा का स्टेशन होता है डर्माटोलॉजी का स्टेशन होता है एक हमारे पास साइकेट्री का स्टेशन होता है उसमें भी हिस्ट्री लेनी होती है हमने ठीक है एक साइकेट्री का स्टेशन होता है जिसमें साइकेट्री में एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का पेशेंट रखा हो तो उसकी हिस्ट्री लेनी होती है एक ना फैमिली मेडिसिन का स्टेशन होता है फैमिली मेडिसिन में भी आपको पता है वो हिस्ट्री ही लेते होते हैं कि पेशेंट को हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कैसे करना है जनरल फिजिकल ठीक है एक फैमिली मेडिसिन का स्टेशन होता है उसके अलावा जो है ना एक लॉक बुक का स्टेशन होता है एक चेस्ट एक्सरे रखा हुआ होता है ठीक है और एक आपके पास ना काउंसलिंग का स्टेशन होता है काउंसलिंग का तो ऐसा लगता है कि लाजमी करके जाएं फ्री के पॉइंट्स होते हैं काउंसलिंग में काउंसलिंग का स्टेशन होता है और एक हमारे पास हिस्ट्री होती है ज़्यादातर जो हिस्ट्री है ना वो इन्फेक्शस डिजीज़ से रिलेटेड होती है तो आपने इन्फेक्शस डिजीज़ को ना अच्छे से करना है ठीक है अब वही अपेगेस्ट्रिक पेन की होगी या फीवर की होगी या फिर ना फीवर फीवर में रईगर्स इंचरस होगा या डेंगी होगा या मलेरिया होगा तो आपने इन्फेक्शस डिजीज को ना अच्छे से अपने माइंड में रखना है ये सारे ना स्टेशन होते होते हैं ठीक है उसके अलावा वो लोग जो है ना कभी कभार वो सी भी रखा हुआ होता है सी स्कैन भी होता है तो टोटल हमारे पास कितने हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व और कौन सा स्टेशन एक तो सी स्कैन का होता है हाँ और एक जो है ना इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन होता है वही फॉलीज़ वगैरह रखा होता है स्टेटिक स्टेशन होता है और एक हमारे पास इमरजेंसी केस होता है ठीक है और इसके अलावा एक ई होती है डेट से टोटल फिफ्टीन स्टेशन होते हैं और हमारे यही स्टेशन से तो आप लोगों ने